अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग एक डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं, एक यूनिक रेसिपी। बोटी को हम लोग फ्राई करके उसी में हम लोग बिरयानी राइस मिक्स करने वाले हैं, बोटी बिरयानी। चलिए देखते हैं आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं। बोटी बिरयानी बनाने के लिए पहले हम लोग बोटी को अच्छी तरह बॉईल करे थे, सारे इंटेस्टाइन्स को हम लोग अच्छी तरह क्लीन करके उसको पीसेस करके रखे हैं। बॉल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। रॉ स्पाइसेस ऐड करते ही इमीडिएटली हम लोग इसमें स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस ब्राउन शेड में आते ही हम लोग उसमें ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे, स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली के बाद हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। बोटी ऐड करने से पहले ही हम लोग इसमें करी लीव्स भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करे बाद हम लोग जो कटे हुए बोटी को इसमें ऐड करेंगे। इसका टेस्ट अच्छी तरह और भी डबल करने के लिए हम लोग इसमें टमाटो ऐड करेंगे, चॉप्ड टमाटो। नेक्स्ट हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड करने का वक्त आ गया है, टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट। Thank you.
इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बोटी अच्छी तरह पके बाद हम लोग इसमें फाइनली टेस्ट के लिए मीट मसाला ऐड करेंगे। फाइनली इसमें हम लोग चॉप्ड कोरिएंडर और चॉप्ड मिंट लीव्स भी ऐड करेंगे। इसी बोटी सालन को हम लोग बॉइल्ड राइस पे ऐड करेंगे और उसमें अच्छी तरह मिक्स करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बॉइल्ड राइस हम लोग आधा ही ले रहे हैं, उस पर हम लोग एक लेयर जो पहले ही पका हुआ बोटी करी इस पर ऐड करेंगे। कोरिएंडर और मिंट लीव्स को अच्छी तरह गार्निश करे बाद हम लोग इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद बोटी बिरयानी तैयार है, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
सारा टीम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है ताकि आप लोग इतने सपोर्ट कर रहे हैं नवाब्स किचन को। और भी हम आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की सपोर्ट ज़रूरी है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक शेयर करिए, उसके वजह से और भी बच्चे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और इन बच्चों तक कुछ ना कुछ पहुंचाने के लिए या हमारे टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए, हम लोग आप तक पहुँच जाएंगे। और मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे nawabs_kitchen786 पे फॉलो करिए, मैं आपसे डायरेक्टली बात करूँगा। तब तक के लिए टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफ़िज़।